नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में कोविड की रोकथाम और बचाव कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने ऐसे बच्चों के लिए विशेष योजना बनाने के निर्देश दिए जिनके माता पिता या परिवार के मुखिया की मृत्यु कोविड के कारण हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे बच्चों की सहायता की जा सके, इसके लिए जल्द से जल्द इनका चिन्हीकरण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर के लिए तैयारियों को शीघ्रता से धरातल पर लागू किया जाए। वर्तमान में कोविड के मामलों में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी हमें पूरी तरह से सावधान रहना है। किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। तीसरी लहर में बच्चों पर फोकस करना है। जिला और ब्लॉक स्तर पर इसकी मैपिंग हो। फील्ड में काम करने वालों को मालूम होना चाहिए कि किसी तरह की परिस्थिति में उन्हें क्या करना है। कोविड की तीसरी लहर से पहले सारी तैयारियां पुख्ता कर ली जाए, इसमें किसी तरह की कोई कमी ना हो। जिलाधिकारी ग्रामवार इसकी पूरी प्लानिंग रखें। हरिद्वार जिले में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है। कई गंभीर मरीजों की वेंटिलेटर न मिलने के कारण मौत भी हुई है। सरकारी स्वास्थ्य सुविधा लचर अवस्था में है। इसी को देखते हुए रुड़की और हरिद्वार में धूल फांक रहे वेंटिलेटर को जिला प्रशासन द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटलों को संचालित करने के लिए दिए गए हैं। साथ ही सरकारी हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर को संचालित करने के लिए स्वास्थ्य टीम को प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर को चलाने के लिए स्टाफ की कमी देखने को मिल रही थी। हॉस्पिटल जो काम कर सकते थे, अभी हमारा प्रायोरिटी लोगों के जान बचाने का था और हमारे लिए टर्शियरी केयर ज्यादा जरूरी था, तो जहां से भी जो भी हॉस्पिटल ने अभी मांगा कि हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं और हमको वेंटिलेटर चाहिए और हमारे पास अगर अवेलेबल है तो उसी को दिया गया और उसे काफ़ी अभी लोगों की जान भी बची है। तो इसीलिए उस टाइप से हमारे यहाँ थोड़ा सा भी दिक्कत है उस डॉक्टर का, जितने हैं उसका तो हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे अभी श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के आए हैं वो तो बर्फानी वाले में, तो जैसे होगा हम लोग करेंगे। हमारे पास जो है जितना वेंटिलेटर्स का सुविधाएं हैं उसमें चलाने के लिए हमारे पास स्पेशलिस्ट और ट्रेन्ड मैन पावर का आवश्यकता होता है। तो अभी जैसे श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से कुछ डॉक्टर्स स्पेशलाइज्ड आ गए हैं, कुछ हमारा हेल्थ केयर वर्कर्स है उनको हम एम्स के माध्यम से ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। जनपद पौड़ी गढ़वाल के सतपुली मिशन हौसले के तहत पौड़ी पुलिस द्वारा जनपद के सभी थानों और चौकी में कम्युनिटी बास्केट रखी गई है। इसमें स्थानीय लोगों द्वारा बुजुर्ग असहाय लोगों के लिए राशन, फल, सब्जी और अन्य सामग्री दी जा रही है, जिसे पुलिस के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बुजुर्ग असहाय लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। आज पार्टी सैंड चौकी पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला सहकारी समिति डायरेक्टर नरेंद्र नेगी, ब्रह्ममोहन नेगी, ज्येष्ठ प्रमुख दिशार्थ नेगी, ग्राम प्रधान विकास रावत, सर्वेंद्र नेगी, सामाजिक कार्यकर्ता राजकमल नेगी, प्रवीण सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मनोहर लाल पहाड़ी द्वारा चौकी प्रभारी किशन दत्त शर्मा को कम्युनिटी बास्केट में 20 राशन किट दिए गए, जिस पर चौकी प्रभारी किशन दत्त शर्मा द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया गया और बताया गया कि उनके द्वारा प्राप्त राशन चौकी क्षेत्र में गरीब असहाय बुजुर्ग लोगों को वितरित किया जाएगा। चौकी प्रभारी पार्टीशन श्री के डी शर्मा जी के द्वारा आज यहाँ पर कम्युनिटी बास्केट का शुभारंभ किया गया, और जिसमें कि तमाम हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोग, ज्येष्ठ प्रमुख जी हो गए, प्रधान जी हो गए, पारू जी हो गए, विकास राव जी हो गए, राजकमल जी हो गए, बिजमोहन जी हो गए और प्रवीण भाई हो गए, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हुए, लगातार यहाँ पे जो असहाय बेरोजगार और जिनको कि अंत्योदय है, जिनको कि वास्तविक इस स्थिति में जिनको कि राशन की आवश्यकता है, उन लोगों को यहाँ पर चौकी प्रभारी किशन दत्त शर्मा जी के नेतृत्व में दिया जाएगा। और जो भी हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोग हैं, प्रधान गण है, क्षेत्र पंचायत है, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता है, वो भी अपने क्षेत्र की जो भी जिन लोगों को आवश्यकता, जरूरतमंद आवश्यकता होगी, उन लोगों हेतु प्रभारी जी से अनुरोध करेंगे और हम लोगों से भी अनुरोध करेंगे। रुड़की में कानून से बेखौफ दबंगों का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल दिन दहाड़े आधा दर्जन दबंगों ने जहाजगढ़ गांव की में हवाई फायरिंग की। गोलियों की गड़गड़ाहट से जहाजगढ़ गांव गूंज उठा। ग्रामीणों में दहशत का माहौल हो गया। बता दें, पूरा मामला युवकों के दो गुटों में रंजिश का बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने दबंगों को दौड़ाने का प्रयास भी किया, लेकिन दबंगों ने तड़ातड़ गोलियां चला दी। ग्रामीणों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
है। बता दें रुड़की के भावनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। रुड़की में एक महिला में ब्लैक फंगस का मामला मिलने के बाद से हड़कंप मच गया है। फिलहाल महिला को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बता दें कि रुड़की निवासी एक महिला में ब्लैक फंगस का मामला मिलने के बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। महिला का अस्पताल में चल रहा था इलाज, जिसके बाद आज महिला को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। महिला कोरोना पॉजिटिव भी है और उनकी शुगर भी काफ़ी बड़ी हुई है। रुड़की अस्पताल में पहुंचने वाला ब्लैक फंगस का ये पहला मामला सामने आया है, जिसके सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गोनियाल द्वारा पहाड़ बचाओ मसूरी बचाओ मुहिम की शुरुआत की गई, जिसको लेकर उनके द्वारा मसूरी देहरादून मार्ग पर पिछले 2 सालों में हुए चौड़ीकरण के बाद हुए घोटाले के साथ मसूरी देहरादून मार्ग गलौगी पावर हाउस के पास पहाड़ का एक पूरा भाग को भूस्खलन के जद में छोड़ दिया गया, जिस वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पहाड़ से हो रहे भूस्खलन की वजह से कभी भी जान माल का नुकसान हो सकता है। मनीष गोनियाल द्वारा SDM मसूरी के माध्यम से तीरथ सिंह रावत को ज्ञापन भेजकर मसूरी देहरादून मार्ग के चौड़ीकरण में हुई धांधली की विस्तृत जांच की जा रही है। तय समय के बाद खुली दुकानों को बंद करवाने के लिए पुलिसकर्मियों ने कुछ दुकानदारों के साथ लाठी से मारपीट कर डाली। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, तो वहीं मौके पर पहुंचे विधायक और नब चेयरमैन ने पुलिसकर्मी को थाने से हटाए जाने के अलावा कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। दरअसल प्रदेश में जारी कोविड कर्फ्यू के दौरान बाजार बंद होने का समय 10 बजे का है। वहीं कई स्थानों पर दुकानदार तय समय के बाद दुकानें बंद नहीं करते तो पुलिस उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने के साथ चालानी कार्रवाई भी करती है। लेकिन कलियर में कुछ व्यापारियों ने एक पुलिस कांस्टेबल पर डंडे से मारपीट करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि कांस्टेबल ने उस समय व्यापारियों से मारपीट कर डाली जब वो रेहड़ी बंद कर चुका था। विधायक फुरकान अहमद का भी कहना है कि गरीब मजदूर के साथ इस प्रकार की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।